पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के प्लेयर ड्राफ्ट के बाद कराची किंग्स ने भी अपने मुकम्मल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्वाड में सबसे पहले शामिल हैं पाकिस्तान के मायानाज राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम, जो कि इस सीजन में कराची किंग्स की कैप्टनसी के प्राइज भी सर अंजाम देंगे। बाबर आजम के बाद स्क्वाड में शामिल हैं ऑलराउंडर इमाद वसीम, जिनकी कैप्टनसी में कराची किंग्स की टीम एक बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम भी कर चुकी है। इस स्क्वाड में शामिल हैं हार्ड हिटिंग लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान। इस स्क्वाड में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर रिटायर्ड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। इस स्क्वाड में शामिल हैं अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले राइट आर्म ऑफ ब्रेक और राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले एक्सपीरियंस ऑलराउंडर मोहम्मद नबी। फिर शामिल किए गए हैं इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन जो क्लार्क। इस स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं ऑलराउंडर अमीर यमीन और उनके साथ शामिल हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर क्रिस जॉर्डन को और उनके साथ शामिल हैं इंग्लैंड से एक और ऑलराउंडर लेविस जॉर्जरी। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है बॉलिंग ऑलराउंडर उमैद आसिफ को और उनके साथ शामिल हैं इंग्लैंड से बैटिंग ऑलराउंडर टॉम एबल। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन रोहे नज़ीर को। फिर स्क्वाड में शामिल है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन करवाने वाले फैसल अकरम और उनके साथ शामिल हैं ऑलराउंडर कासिम अकरम और इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है राइट हैंडेड बैट्समैन तलहा अहसन को। और सबसे आखिर में कराची किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा है वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर मारियो शेफर्ड।